हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल. आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर. आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 7. इफ कॉट थीटा इज 7 डिवाइड बाय 8, देन इवेल्युएट. फर्स्ट पार्ट इज 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा. डिनोमिनेटर इज 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा. एंड सेकेंड पार्ट इज कॉट स्क्वायर थीटा. तो जब भी क्वेश्चन के अंदर किसी भी रेशियो की, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आपको गिवन है, तो उस टाइप के क्वेश्चन हमें ट्राइंगल बना के या कंप्लीट करके, राइट एंगल ट्राइंगल को कंप्लीट करके हम सॉल्व करेंगे. तो यहां पे भी हम सबसे पहले, जैसे कि अगर आपने मेरे लास्ट क्वेश्चन या 8.1 एक्सरसाइज की लास्ट वीडियो देखे होंगे, तो आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं. अभी तक हम सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, लेकिन यहां पर एक पूरा टर्म है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्राइंगल को कम्प्लीट कर देते हैं. तो यहां पर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं. यहाँ दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, अब यहाँ पे हमें जो गिवन है वो है कॉट थीटा इज 7 डिवाइड बाय 8. ओके, नाउ कॉट थीटा, फिर अगेन हम वही रेशियो राइट करते हैं. पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले. ओके, तो यहाँ पे ये साइन कॉस टैन कॉस एक्स एक्स कॉट, तीन जो 6 रेशियो है उनके परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस से उनका कौन सा रेशियो किसका है. तो ये इजी शॉर्ट मेथड है याद रखने का. अब कॉट थीटा क्या होता है, मैं जिसकी वैल्यू हमें चाहिए मैं वही राइट करती हूँ. तो ये कॉट यहाँ आता है, ये साइन कॉस टैन कॉस एक्स है कॉट. तो कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो अब इस क्वेश्चन के अंदर थीटा है, यहाँ पे कोई हमें एंगल नहीं गिवन है, तो हम इनको ट्राइंगल को ए बी सी राइट कर लेते हैं. ओके, और लेट की एंगल बी हमारा है, लेट एंगल बी 90 डिग्री है. और हम, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, जो भी एंगल थीटा होगा वो हाइपरटेनियस और किसके बीच में बनेगा, बेस के बीच में, और उसके जस्ट अपोजिट साइड में होगा परपेंडिकुलर. जो भी एंगल आपको यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है उसका बेस और हाइपरटेनियस के बीच में बनेगा, परपेंडिकुलर का उससे कोई रिलेशन नहीं होगा. तो ये हो गया बेस, परपेंडिकुलर, और स्लोप में होता है वो हमेशा क्या होता है, हाइपरटेनियस. जो दो परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री, ये दोनों परपेंडिकुलर है. अब इसमें हमें देखना होता है कौन बेस है कौन परपेंडिकुलर है. ओके, तो ये हो गया. अब हम क्या करते हैं, ट्राइंगल को वैल्यू पुट करते हैं. तो इसमें हम लगाते हैं पाइथागोरस. ओके, बेस हमारा यहाँ कितना है 7, परपेंडिकुलर कितना है 8. ओके, नाउ हम इसमें लगाते हैं पाइथागोरस, जो होती है हाइपरटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो बेस कितना हो गया 7 स्क्वायर और परपेंडिकुलर हो गया 8 स्क्वायर. तो 7 स्क्वायर इज 49, 8 स्क्वायर इज 64. तो इन दोनों का सम हो गया 9 प्लस 4 13 3 10 1 1 3. ओके, तो ये वैल्यू तो हमारे पास आई है ए सी स्क्वायर की. दिस इम्प्लाइज ए सी कितना हो गया, ए सी हमारे पास हो गया अंडर रूट ऑफ 113. अब अंडर रूट ऑफ 113, अब यहाँ पे देखो रूट से 113 को बाहर निकालने के लिए क्या करना चाहिए होता है, इसके फैक्टर बनाने होते हैं, लेकिन 113 का कोई फैक्टर नहीं होता है. तो इसका मतलब ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, अंडर रूट 113. और हम सिर्फ इसमें से, अगर आप स्टार्टिंग से मेरे वीडियो देखते आएंगे तो आपको समझ में आएगा हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू क्यों ले रहे हैं, क्योंकि रूट से जब नंबर बाहर आता है तो दो वैल्यू होती है, एक पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है. लेकिन ए सी यहाँ पे लेंथ है, यहाँ पे ए सी एक लेंथ को डिनोट कर रही है, लेंथ ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव. ओके, तो ये हमारा ट्राइंगल हो गया कंप्लीट. एच हमारा हो गया अंडर रूट ऑफ 113, 7, 8 अंडर रूट 113. नाउ अब हम क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो हमें प्रूफ करना है वो राइट करते. क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा. ठीक है, तो यहाँ पे हम इन क्या करेंगे, साइन कॉस की वैल्यू को पुट करके इसको सॉल्व करेंगे. लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखो, थोड़ा स्मार्टनेस से क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तो स्टेप्स थोड़े कम होंगे, इजीली सॉल्व होगा. यहाँ पे देखो,
ए प्लस बी ए माइनस बी. तो आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी नाइन्थ क्लास में, टेंथ क्लास में भी कितनी बार पॉलिनोमियल चैप्टर में इसको लिया हुआ यूज. ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यहाँ पे ए कौन है, ए है हमारा यहाँ पे वन, और बी कौन है साइन. तो ए स्क्वायर वन का स्क्वायर वन माइनस बी स्क्वायर कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा. ओके, और डिनोमिनेटर में हो गया हमारा ए प्लस बी ए माइनस बी वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, अभी हम फर्स्ट एक्सरसाइज ही सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं आपको इसको इससे आगे मैं नहीं सॉल्व कर रही हूँ. यहाँ पे जो आइडेंटिटीज आपने पहले से पढ़ी हुई है वो ही हम यूज कर रहे हैं, और हम इसको सिंपल जो हमारा ट्रायंगल मेथड है उसी से सॉल्व करेंगे. जब आप पूरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कंप्लीट कर लोगे तब आप इसको इजीली और बाद में सॉल्व कर पाओगे, लेकिन अभी हम वैल्यू पुट करके ही सॉल्व कर रहे हैं. तो वन माइनस, अब यहाँ पे साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना होता है, ये रेशियो साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, और कॉस होता है बी अपॉन एच. ठीक है, तो साइन हो गया साइन थीटा इज P अपॉन एच, तो परपेंडिकुलर मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ, साइन थीटा हो गया P अपॉन एच. तो परपेंडिकुलर इस फिगर में कितना है, परपेंडिकुलर इज 8, और हाइपरटेनियस इज अंडर रूट 113. ओके, और कॉस थीटा कितना होता है, ये रहा B अपॉन एच, तो ये हो गया B अपॉन एच, बेस इज 7 अपॉन अंडर रूट 113. तो ये दो वैल्यू हमें पुट करनी है, साइन की हो गया 8 अपॉन अंडर रूट 113 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 होल स्क्वायर. ओके, नाउ हमें क्या सॉल्व करना है, इसके स्क्वायर्स को सॉल्व करना है. अब हमें सिर्फ इस क्वेश्चन के पार्ट को सॉल्व करना है, तो 1 एज इट इज 8 का स्क्वायर, स्क्वायर सेपरेट हो जाएगा ये इसके साथ भी, न्यूमरेटर के साथ भी डिनोमिनेटर के साथ भी. तो 8 का स्क्वायर हो गया 64, और अंडर रूट 113, रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल. यहाँ देखो अंडर रूट ए स्क्वायर कितना होता है, अंडर रूट का हम लिखते हैं 1/2 और स्क्वायर यहाँ पे, तो ये कैंसिल होके क्या हो जाता है ओनली ए. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जो भी नंबर रूट के अंदर है सिर्फ वही आ जाएगा 113. अब आप यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में भी सेम, माइनस 7 का स्क्वायर 49 और 113 अंडर रूट 113 का स्क्वायर 113. अब हम इसको ले लेते हैं एलसीएम लेके सॉल्व. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम क्या लेट करते हैं 1, तो 1 और 113 का एलसीएम होगा 113. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में 113 लेकर आने के लिए ऊपर नीचे मल्टीपल करते हैं. एलसीएम जो हम ले रहे हैं वो मैं बता रही हूँ, तो एलसीएम यहाँ पे नहीं है तो 113 से मल्टीपल होगा, तो 113 माइनस 64. ओके, और डिनोमिनेटर में भी क्या हो जाएगा 113 एलसीएम 49 डिवाइड बाय 113. अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 113 में से 64 सब्ट्रैक्ट होगा. अब यहाँ पे पहले हम कैंसिल कर दिए, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल. डिवाइड में है ना, डिवाइड में दोनों नंबर सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे. अब 113 माइनस 64 कितना हो गया 49, और 113 माइनस 49 कितना हो जाएगा 64. तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है. अब ये देखो, आप यहाँ पे नहीं समझ में आया कैसे कैंसिल हो, मैं आपको यहाँ बताती हूँ. देखो a अपॉन b डिवाइड बाय c अपॉन b, यही फ्रैक्शन है ना, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है. ये भी डिवाइड में हम इसको मल्टीपल में चेंज करते हैं, a अपॉन b, ये डिनोमिनेटर जब न्यूमरेटर में जाता है तो उल्टा हो जाता है, न्यूमरेटर आपका हो जाएगा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हो जाएगा न्यूमरेटर, तो बी से बी कैंसिल, तो ए अपॉन सी रह गया. ठीक है, अब समझ में आ गया कि 113 माइनस 64 49 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है इसलिए कैंसिल हो गया. तो ये हमारा अलग आइडेंटिटी वाला पार्ट है. ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट इज, सेकेंड पार्ट हमें इसमें प्रूफ करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा. तो कॉट थीटा कितना होता है, अभी हमको क्वेश्चन में ही गिवन था, क्वेश्चन ही हमारा कॉट थीटा में है. यस, तो कॉट थीटा हमें क्वेश्चन में गिवन है 7/8, तो 7/8 का भी क्या हो जाएगा
स्क्वायर, तो ये 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 8 का स्क्वायर हो गया 64, तो ये हमारा लास्ट फाइनल आंसर है जो कि कॉट स्क्वायर थीटा का है. ओके, अब इस क्वेश्चन में आपको कोई भी स्टेप कहीं पे भी नहीं समझ में आया है तो आप प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. इस वीडियो में हम नेक्स्ट सारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करेंगे, इसलिए आप प्लीज मेरे साथ बने रहने. थैंक यू.